गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल सीक्रेट मेकओवर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही वियर्ड सी प्रोडक्ट। तो इसके पहले मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट जो वायरल प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्राई किया हुआ है आपके सामने, और आज भी जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो वायरल प्रोडक्ट है, बट ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड प्रोडक्ट है। तो मैं इसे वियर्ड प्रोडक्ट क्यों कह रही हूँ वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा, बट मैं बता दूँ कि ये प्रोडक्ट क्या है। तो ये प्रोडक्ट है रबर पील ऑफ मास्क। तो ये नॉर्मल पील ऑफ मास्क से बिल्कुल डिफरेंट है, ये रबर पील ऑफ मास्क होने वाली है। तो जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो प्रोडक्ट है ये, जिसका नाम है द मैग्लो विटामिन सी ब्राइट लवर रबर मास्क सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। तो ये आप देख भी सकते हो ऐसा सा कुछ ये बना हुआ है। तो ये वियर्ड इसीलिए है क्योंकि नॉर्मल पील ऑफ मास्क तो आप लगा लेते हो ईजिली, अप्लाई करके आपको पील ऑफ कर लेते हो, बट इसमें होने वाली है मुश्किल क्योंकि ये रबर टाइप का कुछ ऐसा होने वाला है। मैंने वीडियो में देखा है, मैं ऐसे तो आपको नहीं समझा पाऊंगी, बट आगे डेफिनेटली आप वीडियो में से देखने वाले हो तो आप खुद भी देख लोगे और मैं बताती हूँ उसके बारे में आपको। तो मैंने जब इस पैकेजिंग को देखा तो पैकेजिंग पे ही इस मास्क की बहुत ही ज़्यादा तारीफ हो रखी है। यहाँ पे आप देखो 5x ग्लो फॉर 5 extra days, फिर यहाँ पे ब्राइटन लाइटन टाइटन और गेट फॉर्म एंड यूथफुल स्किन इन 20 मिनट्स। उसके बाद इसमें सीवीड है, इसमें विटामिन सी है और ये डल स्किन आपका जो है उसको रिपेयर करेगा, डार्क स्पॉट्स आपके रिमूव करेगा, विजिबल साइंस ऑफ एजिंग, ओके। और काफ़ी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन भी दिया है कैसे यूज़ करना है, क्योंकि मैं भी पहली बार यूज़ कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं डायरेक्शंस पढ़ लूँगी। और 20 मिनट्स का वेट करने के बाद आपको इसको रिमूव कर लेना है, पील ऑफ कर लेना है। और इसके ये मैं बता दूँ तो मैंने इसको 249 rupees और समथिंग में ख़रीदा है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। और यहाँ पे मेंशन है सिंगल यूज़ पील ऑफ मास्क। तो 249 rupees आपको अगर ये प्रोडक्ट ने वर्क किया तो 249 rupees एक मास्क के लिए देना, लाइक एक यूज़ के लिए देना है। तो या थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये, अगर इसने वर्क किया तब तो बात अलग होगी, बट अगर वर्क नहीं किया तो हमारे पैसे, लाइक मेरे पैसे तो वेस्ट होने वाले हैं। तो ओपन करते हैं इसको, लेट्स सी कि क्या होता है अंदर। ओके यहाँ पे ओके ओके तो सबसे पहले हमें मिला है स्पैचुला और उसके बाद हमें मिला है एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट, कितनी बढ़िया जानकारी दी मैंने आपको। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 01 विटामिन सी ब्राइट लवर रबर मास्क, इसमें फिर इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है, और ये लिखा हुआ है सेकंड हाइड्रेटिंग जेल। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है हमें बोल में इन दोनों को मिक्स करना है, उसके बाद हमारा पेस्ट रेडी हो जाएगा जिसे हमें अप्लाई कर लेना है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को मिक्स कर लूँगी। तो इसमें से ये आप देख सकते हो ऐसा कुछ पाउडर सा कुछ प्रोडक्ट निकला है, और अब बारी है सेकंड हाइड्रेटिंग जेल को मिक्स करने की। और मुझे पता नहीं क्यों मेरे फेस के अकॉर्डिंग ये क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ, बट इसमें ये भी मेंशन नहीं है सिंगल यूज़ है, आई डोंट नो मुझे, बट फिर भी क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं पाउडर को थोड़ा शिफ्ट कर लेती हूँ क्योंकि सच्ची बहुत ही ज़्यादा है क्वांटिटी, बट आई डोंट नो मैं पूरा ही कर लेती हूँ, मैं मम्मा को भी लगा दूँगी अगर ऐसा कुछ मुझे फील हुआ तो। ओके सेकंड हमने ये क्लियर कर लिया है और मैं इसमें इसको मिक्स कर रही हूँ, और बोला है उन्होंने कि स्पैचुला से 2 मिनट तक आपको मिक्स करना है। ओके तो इसमें जेल टाइप का कुछ सब्सटेंस है, आई डोंट नो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है गाइस। ओके अब मैं कर रही हूँ इसे मिक्स। ओके तो ये सच में कुछ रबर जैसा बन रहा है, दोनों को मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो ये कुछ रबर रबर टाइप। तो अभी आप ये कंसिस्टेंसी देख सकते हो, आई डोंट नो ये पूरी तरीके से ये जम गया है बहुत ही ज़्यादा, आई डोंट नो मैं इसे कैसे अप्लाई करूँगी, बट ट्राई करते हैं। अभी मैंने मिक्स तो अच्छे से इसे कर लिया है और अब बारी आती है इसे ट्राई करने की। तो मैंने अपने हेयर को एक पोनी बना लिया है अपने हेयर का, क्योंकि ये लग जाता हूँ और आई डोंट नो ओ गॉड कैसे अप्लाई होगा, कैसे करूं मैं इसे अप्लाई, ये पील ऑफ भी होगा यानी इस फॉर्म में, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे चावल को ऐसे बाइंड करते हैं ना,
बाइंड करके मैं उसे अपने फेस पे लगा रही हूँ। आई डोंट नो, बिल्कुल भी ये पील ऑफ की तरह नहीं लग रहा है। A few moments later. अच्छा, मैं स्पैचुला की हेल्प से कोशिश करती हूँ। ये जितना लग नहीं रहा उससे ज्यादा ये निकल रहा है, तो ये पहले ही पील ऑफ हो जा रहा है, पहले खुद से ही निकल जा रहा है ये। मैं इसको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बट मैं जैसे तैसे इसको अपने फेस पे चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ, लगाने की नहीं, चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ। 2000 years later. ये कैसे वर्क करता होगा, और इतना कॉस्टली है ये, लाइक एक पील ऑफ के लिए 249 rupees इज बहुत ज़्यादा, और उसके बाद ये ऐसा वर्क करे तो और ज़्यादा हमारे दिल टूट जाता है। सारी लड़कियाँ मुझसे इस टाइम पर रिलेट कर पा रही होंगी, क्योंकि नाक पे अप्लाई नहीं करना था। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर पाऊँगी। One eternity later. तो गाइस, जैसे तैसे करके मैंने इतना प्रोडक्ट अप्लाई कर लिया है, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। मैंने इतना भी, देखो आप कैसे अप्लाई किया हुआ है, लिटरली मुझे चिपकाना पड़ा है अपनी स्किन पे। ये बिल्कुल भी लग नहीं रहा था, ये जितना लग नहीं रहा था उससे ज़्यादा ये निकले जा रहा था। तो जैसे तैसे करके मैं इतना ही लगा पाई हूँ, उसके बाद आगे प्रोडक्ट की हालत देखो, देखो अभी भी देखो, ये गिरे जा रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा, लाइक बहुत ही ज़्यादा ये होता है ना, बहुत हार्ड हो गया है, रबर फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गया है फॉर श्योर, बट तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो किसी भी हाल में। और अभी भी मैं बोल रही हूँ ना, तो ये गिरने वाला है, अच्छी तरीके से गिरने वाला है। बट मुझे जैसे तैसे इसको 20 मिनट्स तक रखना है, और आई डोंट नो, वाओ, आप देख सकते हो उसकी क्या हालत हो रही है। मैं इसे टच भी कर रही हूँ ना, तो ये फॉल हो रहा है, आई डोंट नो। तो वेट करते हैं 20 मिनट्स तक। तो अभी इस प्रोडक्ट को लगाए हो गया है मुझे 20 मिनट, और आप देख सकते हैं कि 20 मिनट में 20 जगह से प्रोडक्ट हट चुका है। तो अभी भी मैं इस प्रोडक्ट को जज करने वाली नहीं हूँ, मैं इसका रिज़ल्ट देखने के बाद, क्योंकि प्रोडक्ट तो अप्लाई कहीं कहीं पे है ही, मैं देखती हूँ कि क्या रिज़ल्ट आता है, उसके बाद मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। पहले मैं इसे थोड़ा बहुत जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको हटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि पता नहीं कैसे हटेगा, क्या करेगा। पील ऑफ के ऐसा, पील ऑफ की लाइफ तो कुछ बचा नहीं कि मैं पील करूँ, क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं बचा है तो मैं पील कैसे करूँगी, राइट? या तो ओके, जहाँ जहाँ पे प्रोडक्ट जितना जितना भी अप्लाई हुआ है उसे ओके, तो वो थोड़ा बहुत तो पील ऑफ की तरह हट रहा है, बट मैं ऐसे कैसे बता दूँ जब वो पूरा प्रॉपर अप्लाई ही नहीं हुआ है। तो ये रबर कंसिस्टेंसी में है, यस, ये छूट भी रहा है थोड़ा थोड़ा पील ऑफ की तरह, वो भी ठीक है, बट अप्लाई ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे इस प्रोडक्ट को रख के। तो डेफिनेटली ये ऐसे तो कुछ पता चलने वाला है नहीं, और ऐसे ये प्रोडक्ट निकल भी नहीं रहा है, तो मैं आपसे मिलती हूँ फेस वॉश करके। अब मुझे फेस वॉश ही करना होगा, तभी हम कुछ भी रिजल्ट देख पाएंगे। तो आप बैठे रहिए, बस मैं आती हूँ। तो अभी कर लिया है मैंने फेस वॉश, और आप बताओ कि आपको मेरे चेहरे में कोई डिफरेंस दिख रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा कोई एकदम से कुछ डिफरेंस समझ तो नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले तो जहाँ जहाँ भी मैंने प्रोडक्ट लगाया था वहाँ बस मुझे ठंडक फील हो रही है, और ऐसा कुछ भी मुझे तो चेंज फील नहीं हो रहा है। आई डोंट नो अगर आपको कुछ चेंज फील हो रहा है, हल्का हल्का सा मे भी थोड़ा क्लीन लग रहा है, बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज समझ नहीं आ रहा है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो देख लेना, लिंक आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बस यही रिज़ल्ट है इसका, तो काफ़ी वायरल थी ये प्रोडक्ट, और बहुत लोग इसके बारे में पूछ भी रहे थे, तो मैंने सोचा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। बट मेरे लिए पर्सनली, मेरे एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो ये है एपिक फेल। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्रोडक्ट के लिए ना सही, मेरे मेहनत के लिए सही। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।